जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंट होना चाहती है वो भी इस CME को ज्वाइन कर सकती हैं। मैं डॉक्टर रजनी गुप्ता शिशु आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से, यहाँ पे हमारी रेगुलर ही गर्भ संस्कार में CMEs होती रहती है और इस CMEs में हम क्या क्या पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, दैट इंक्लूड द प्रीनेटल एंड पोस्ट कंसेप्शनल संस्कार, बिफोर प्रेगनेंसी पेशेंट्स को किस तरह से क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए एंड आफ्टर प्रेगनेंसी क्या क्या चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, दैट इंक्लूड द बीज संस्कार, इट इंक्लूड द योगा सेशन, मेडिटेशन सेशन, गर्भ संस्कार, इट इंक्लूड द डाइट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, 9 months रेजीम, एवरी मंथ क्या क्या रेजीम्स हमें लेनी है, प्रिपरेशन ऑफ द चाइल्ड बर्थ एंड द मदर, इट हेल्प्स टू गिव द गुड स्ट्रेंथ टू द मदर टू डिलीवर ए नॉर्मल डिलीवरीज, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड लास्ट टॉपिक इज द पोस्ट डिलीवरी मदर एंड द चाइल्ड केयर। ये गर्भ संस्कार पे हमारी CME 28 और 29 फरवरी को सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक होगी। इसमें कौन कौन आ सकता है, इसमें BMS डॉक्टर, BHMS डॉक्टर या कोई भी गर्भ संस्कार के बारे में समझना चाहता है, ये हमारी बहुत एनिशियंट साइंस है और इसको मॉडर्न साइंस के साथ कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं